हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के डायरीज़ पर जैसा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आज का हमारा सेक्शन इंग्लिश है और ये वीडियो जो है सुन लीजिए उसके बाद स्किप कीजिए ये वीडियो जो है ये आपकी एक तरह से रामबाण वीडियो कह लीजिए रामबाण वीडियो रहने वाली है किसके लिए आपके जे बी टेट के लिए जे कमीशन के लिए और आपका एच पुलिस एग्ज़ाम के लिए जे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ से आज की वीडियो से तकरीबन आपके आठ से दस क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होने वाले हैं बाकी सबॉर्डिनेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके जो है क्लैरिकल जो आपका एक पालमपुर यूनिवर्सिटी का जो आपका जे का एग्ज़ाम है वहाँ पे भी क्वेश्चन यहाँ से इंग्लिश के आपको देखने को मिलेंगे और आपका जो बैंकिंग का एग्ज़ाम है वहाँ भी क्वेश्चन जो है आपको इस आज की वीडियो से देखने को मिलेंगे पर जो स्पेशली मेरे साथी जे के एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एस पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जे बी टेट को जिन्होंने एम किया हुआ है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें नोट्स बनाएँ कॉपी पेन साथ में ले लीजिए क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है देखिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही सेज देखिए क्वेश्चन पहले क्या बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच तो गईज जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट या चेंज द नरेशन नहीं आते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए पुरानी वीडियोस देखिए वहां पे मैंने आपको टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो डिटेल में करवा रखे हैं आने वाले कुछ दिनों में आपको मैं नरेशन जो है वो भी डिटेल में करवा दूंगा आपको पता है कि वे आप बेसिक के बगैर जो है एडवांस चीज़ें नहीं सीख सकते बाकी जीके की वीडियोस मिल जाएंगी साइकोलॉजी की वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी मैथमेटिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करनी है क्या बोलता है ही सेज़ यू आर नॉट काइंड टू मी तो गाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने का एक फॉर्मूला होता है तो आपने आर और आर एस होता है आर का मतलब रिपोर्टिंग वर्व और आर का मतलब रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है जो आपके इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहती है और रिपोर्ट जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी इनवर्टर कॉमर्स के अंदर आती है रिपोर्टिंग वो, वो होती है जो मतलब किसी ने कही है और क्या बात कही है वो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच आती है ठीक है तो अब देखते हैं क्या होता है सॉरी uh, एक सेकेंड देखिए ही सेज यू आर नॉट काइंड टू मी गाइस ही सेज है आपको पता है ऐसे ये लगता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप ये रूल बोलता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी जो है रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी तो जो है आपका नो चेंज होगा आगे मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस ही चेंज होगा वो अंदर वाला टेंस आपका चेंज नहीं होगा एट एज़ इट इज़ रहेगा अगर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होती है तो आपका जो है अंदर वाला टेंस जो है अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस चेंज हो जाता है चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो कंटिन्यूस हो तो पास्ट कंटिन्यूस में बाईस वर्षा जो है वो चेंज हो जाता है देखिए देखते हैं ही सेज आपको पता है अगर सेज हो आपका कुछ हो से से टू हो से टू लगा हो या कुछ ऐसा लगा हो तो हम क्या करते हैं हम सिंपली जो है उसको टेल्स में बदल देते हैं ठीक है हम उसको जो है सेज़ टू होना था यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है देखिए सेज टू होना था तब जो है uh, मतलब यहाँ पर आना था अगर सेज भी लगा दिया है तब भी आपका टेल्स में जो है वो है चेंज हो जाएगा तो इसका होगा ही सेज टेल्स आपके आपके पास आ गया देट जो है वो हमने इसको कनेक्टर लगा दिया कनेक्ट करने के लिए ठीक है दैट यू का बन जाएगा आई ठीक है यू का आई कैसे बन जाएगा क्योंकि सेकेंड पर्सन जो है वो आपका चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका सन फॉर्मूला है आपका ठीक है सन फार्मूला है वन टू थ्री जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन जो है वो नाउन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है तो देखिए यू का बन जाएगा आई और आई के साथ आपको पता है एम लगता है नॉट काइंड टू हिम मी का क्या बन जाएगा हिम क्योंकि मी जो है आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन क्या है आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका ही तो इसका आ जाएगा ही टेल्स दैट आई एम नॉट काइंड टू हिम ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन देखते हैं ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क देखिए मैंने आपको पहले बताया पास्ट है तो अंदर वाला जो है ये आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ये ऑटोमेटिकली पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा ठीक है तो इसका गाइस क्या बनेगा इसका बनेगा ही सेट दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क देखिए ऑप्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा ही सेट दैट ही वॉज ही कैसे बना आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस ओ एन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अब सब्जेक्ट क्या है ही तो ही आई जो है वो ही में चला जाएगा ही ही के साथ क्या लगता है पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब वाज वाजभर गाइज नहीं समझ आएगा जब तक आप टेंस जो है वो पक्के नहीं करेंगे दोबारा बोल रहा हूँ प्ले में जाइए टेंस देखिए टेंस को पक्के कीजिए उसके बाद जो है आप नरेशन वॉइस ऐसे उड़ाएंगे आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा कि आप इतनी ईजिली जो है कैसे उनको उड़ा रहे हैं ही सेट दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क माई का देखिए मी माई ये भी आपका फर्स्ट पर्सन में आता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा हिज माई का हिज बन जाएगा ही सेट दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क ऑप्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला देखते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रियट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल फिलिंदी ब्लैंक्स देखिए आपको फिल फिलिंदी ब्लैंक्स करने हैं ही डील्स ब्लैंक स्टेशनरी तो गाइज जब भी स्टेशनरी की बात आती है और डील की बात आती है तो आपकी हमेशा प्रपोजिशन जो है वो इन आती है ऑप्शन नंबर डी हमेशा याद रखिए इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए स्पेशल रिमार्क डाल लीजिए कि जब भी आप स्टेशनरी वगैरह में कर रहे स्टेशनरी वगैरह का वो चीज़ परचेज पर सेल कर रहे हैं और डील कर रहे हैं डील के साथ जो है वो आपकी हमेशा प्रपोजिशन इन आती है स्टेशनरी के साथ भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आगे देखते हैं और गाइज आने वाले दिनों में मैं आपके लिए प्रपोजिशन की वीडियो भी लाऊंगा जिसमें प्रपोजिशन की आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको जो है वो बहुत ईजी लगेंगी प्रपोजिशंस द टाइगर वॉज़ किल्ड ब्लैंक दी हंटर तो गाइज़ यहाँ पे जो है सारे ऑप्शन एलिमिनेट करने वाले विद का मतलब है के साथ एट पर होता है ऑफ़ के तो ये नहीं होता बाई के द्वारा द टाइगर वॉज किल्ड बाई दी हंटर जो टाइगर है वो शिकारी के द्वारा मारा गया तो यहाँ पे जो है बाई आ जाएगा सीधा सा आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करने पड़ते हैं कई जगह पे यह चीज़ आपको आनी चाहिए देखिए आगे आते हैं ही इज़ वीक ब्लैंक केमिस्ट्री एट आ नहीं सकता इन वह केमिस्ट्री में कमजोर है या वह रसायन शास्त्र में कमज़ोर है इसका मतलब ये बना तो इसका इन आ जाएगा ही इज़ वीक इन केमिस्ट्री ये क्वेश्चन गाई सिंपल लग रहे हैं लेकिन आपके रिपीट जरूर होंगे ये मैं आपको अभी बोल रहा हूँ नोट डाउन कर लीजिए अब देखते हैं एंटोनेम और सेनोनेम आपके स्क्रीन के ऊपर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं तभी मैंने जो है ये उठाए हैं एंटोनेम ऑफ अफर्म सबसे पहले हम देखते हैं कि अफर्म का मतलब क्या होता है अफर्म का मतलब होता है यस या हाँ या फिर पुष्टि करना मतलब हम किसी चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं सहमति दे रहे हैं तो देखिए इसका क्या होता है अपफरम कहा जाएगा डिनाई ठीक है अब फर्म हो नहीं सकता एक फर्म ये हो नहीं सकता देखिए टाइट हो नहीं सकता ये तो एग्री जो है एग्री भी नहीं हो तो सकता एग्री जो है एंटोनेम तो क्या आएगा आपका डिनाई आए? अब अगर इसके साइनोनेम की बात करें फर्म की तो इसका आ जाएगा डिक्लेयर डिक्लेयर आ जाएगा लिख लीजिए डिक्लेयर या फिर स्टेट या फिर एग्री ये नहीं आ रहा है। या फिर स्टेट या फिर एग्री ठीक है अगला देखते हैं एंटोनीम ऑफ एंटोनेम ऑफ डान डी ए डब्ल्यू एन डॉन का मतलब होता है आपका सुबह या सवेरा जो है हमें दिखाई देता है जब हम हमें जो है वो रात के बाद उजाला दिखाई देता है तो उस समय को बोला जाता है डॉन सुबह या सवेरा या फिर दिखाई देना ठीक है इसका आपका क्या हो जाएगा इसका एंटोनेम आपका आ जाएगा गाइज डस्क डस्क कैसे होगा देखिए डार्क भी उजाले का मतलब डार्क होता है लेकिन डॉन सुबह जो आपका सुबह का टाइम बिल्कुल सुबह का टाइम तो डस्क का मतलब होता है संध्या का टाइम है जिसको गोधुली समय भी हम बोलते हैं तो अगर सुबह का समय है तो इसका मोस्ट जो आपका अप्रोप्रिएट अपोजिट है वो आएगा डस्क ठीक है अब इसके बाद अगर देख लेते हैं डस्क का मतलब क्या होता है अगर डस्क के हम जो है वो एंटोनेम करें तो डस्क का एंटोनीम डॉन आ जाएगा और डस्क के अगर साइनोनीम करें तो इसका आ जाएगा सनसेट इवनिंग ए डार्क सनसेट आ जाएगा इवनिंग आ जाएगा डार्क आ जाएगा डार्क यहाँ पे है अब अगर डॉन के हम साइनोनेम की बात करें तो साइनोनेम इसके आएंगे डे ब्रेक आएगा डी ए बाई बी आर ई ए, ए के लिख लीजिए अगला आएगा सनराइज सनराइज आप लोग लिख सकते हैं या फिर फर्स्ट लाइट एफ आई आर एस टी एल आई जी एस टी फर्स्ट लाइट इसका आ जाएगा अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट आपकी स्क्रीन के ऊपर गाइज इडम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से करिएगा ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा क्योंकि ये जो है ये इडम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बार बार आपके पूछे जाते हैं स्क्वेयर मील का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है बैलेंस्ड और हेल्दी मील स्क्र मील का मतलब होता है बैलेंस्ड या फिर हेल्दी मील जो एक आपकी बैलेंस्ड डाइट होती है हेल्दी मील होता है इसका आ जाएगा फुल मील फुल मील भी आपका वही होता है कि फुल मील में आपकी जो है टोटल पूरी डाइट आ जाती है पूरी बैलेंस जो है वो डाइट आ जाती है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन At अ स्टोन थ्रो इसका मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस तो एट अ स्टोन्स थ्रो अब आपको जो है वो ऐसे मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे निकालना है देखिए शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेकिन आपको कैसे निकालना आप ये देखेंगे तो कि पहला है टू थ्रो अ स्टोन ऑन someone ये कुछ अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है इसको जो हम फिलहाल निगलेक्ट करते हैं अ शॉर्ट डिस्टेंस लग रहा है अ टफ टेरेन नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा अ हार्डल इन पाथ नहीं देखिए आपको ऐसे देख रहे हैं कि एट ए स्टोन थ्रो आपको नहीं समझ आ रहा है आप ये देख सकते हैं कि यार अगर मैं पत्थर फेंकता हूँ इमेजिन करिए कि आप पत्थर फेंक रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर फेंक पाएंगे सौ मीटर दो सौ मीटर किसी किसी में बहुत ही ज़्यादा जोर है तीन सौ मीटर इससे ज़्यादा तो कोई फेंक ही नहीं सकता तो देखिए शॉर्ट डिस्टेंस ही वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सौ मीटर से ऊपर नहीं फेंक सकते तो शॉर्ट डिस्टेंस ही आया तो आप ऐसा खुद को जो है उस सिचुएशन में डाल के भी देख सकते हैं तब भी जो है कई क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं या आपको एग्जामिनेशन हॉल में खुद को उस वे से एडजस्ट करना होता है कि आप जो है किस चीज़ को कैसे फील कर रहे हैं किस वे से सोच रहे हैं टू रन शॉर्ट गाइज टू रन शॉर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की हमारे पास शॉर्टेज है या हमारे पास जो है वो किसी चीज़ की कमी है कई बार बोलते हैं ना कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ दिस चीज़ सॉरी मैं थोड़ा सा मिक्सिंग कर रहा हूँ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ दिस थिंग या वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ शुगर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ राइस तो ऐसा होता है कि शॉर्टेज ऑफ समथिंग किसी चीज़ की शॉर्टेज ठीक है ये भी आपका देखो शॉर्ट जंप हो नहीं सकता एक्सेस ऑफ समथिंग हो नहीं सकता है एक्सेस का मतलब है कि काफ़ी मात्रा में रन टू अ शॉर्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो शॉर्टेज ऑफ समथिंग इसका आएगा अगला देखते हैं पिन प्रिक इसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट या स्मॉल ट्रेवल्स ठीक है, टीज संपन्न हो नहीं सकता इन कन्फ्यूजन जो है वो हो नहीं सकता स्मॉल ट्रेवल जो है वो आपका ये आ जाएगा अगला देखते हैं ये इडम जो है वो आपको थोड़े से याद भी रखने पड़ेंगे इनकी आपको बेसिकली कोई ट्रिक नहीं मिलेगी तो जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है तो मैं आपको सिलेक्टेड करवा रहा हूँ यहाँ से जो है आप देख सकते हैं अगला देखते हैं ही इज ब्लैंक लॉयल नॉर फेथफुल टू मी तो गईज यहाँ पे नीदर आ जाएगा नीदर या नाइदर जिसको बोलते हैं अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ जहाँ पे आपको नॉर दिख गया नॉर और नाइदर जो है वो आपको इकट्ठे आते हैं आपने क्या करना है नाइदर और नॉर जो है हमेशा आपको सेंटेंस में इकट्ठे लगे हुए मिलेंगे ही इज नाइदर लॉयल नॉर फेथफुल टू मी अगर यहाँ पे आपको नाइदर दिया होता तो यहाँ पे अगर ब्लैंक होता तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने नॉर करना था इस चीज़ को लिख लीजिए जो आपके नीदर और नॉर हैं ये इकट्ठे ही यूज होते हैं एक सेंटेंस में नीदर और नॉर एक सेंटेंस में दोनों इकट्ठे यूज होते हैं तो इस चीज़ को लिख लीजिए अगला देखते हैं ही रन मच फास्टर ब्लैंक रोहन तो यहाँ पर कंपेरिजन आ रहा है टू बिफोर आफ्टर जो है वो नहीं हो सकता फास्ट मतलब इसमें जो है वो ये बोल रहा है कि वह जो है रोहन से ज़्यादा तेज भाग रहा है कंपेरिजन आ रहा है तो दैन आ जाएगा आफ्टर का मतलब होता है कि पीछे तो दैन आ जाएगा दैन जो है वो हम कंपेरिजन के लिए यूज़ करते हैं टी एच ए एन देखिए प्लूरल ऑफ मीडियम आपकी स्क्रीन के ऊपर है बार बार पूछा जाता है मीडियम का प्लूरल होगा आपका मीडिया ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए जो है मीडिया लिख लीजिए इसको प्लूरल ऑफ मीडियम इज मीडिया अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन फिलिंग ब्लैंक्स देखिए आपको जो है करेक्ट जो आपके आर्टिकल्स हैं वो चूज करना है ही इज ब्लैंक वन आइड पर्सन अब आपका जो दिमाग है वो फटाफट स्ट्राइक आ जाएगा ए ई -E आई ओ यू एबल है आपको जो है ओ दिख रहा है चुपचाप से एन मारो और साइड हो जाओ एक नंबर पक्का जी नहीं वन कैसे लिखते हैं वन आ रही है साउंड देखिए व की साउंड आ रही है नॉट ओ की वन की आ रही है ना तो चुपचाप से ए ऑप्शन लगा देना वहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर बी ए आंसर लगा देना ही इज़ अ वन आइड पर्सन नहीं तो एन लगा के आओगे तो एक नंबर तो जाएगा जाएगा अगर मेरे जर्नल वाले साथी हैं अगर वो एटी नाइन पर फंस गए तो रोते रहोगे फिर कि एक नंबर क्यों नहीं आया और इस बार तैयारी कर लीजिए हो सकता है अगली बार से नेगेटिव मार्किंग हो जाए आपकी शुरू वीडियोज़ के साथ बने रहिए हिंदी की मैं स्पेशली आपके लिए एक या दो ही वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके जो है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं कवर करवा दूंगा इस बार जो है अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके 90 मार्क्स पक्का हैं ये मान के चलिए देखिए ए लगाना है आपने समझ गए होंगे आप कंसेप्ट आगे देखते हैं आई रीड ब्लैंक इंडियन एक्सप्रेस तो गाइज द आता है द आर्टिकल क्यों आता है क्योंकि यहाँ पर जो है पर्टिकुलर आपकी चीज़ दी हुई है एक जो आपका जो है आप हम बोल सकते हैं कि एक एग्जैक्ट जो है वो चीज़ दी हुई है और जो आपके न्यूज़पेपर वगैरह हैं ऐसी चीज़ें तो इनके साथ जो है वो द इंडियन एक्सप्रेस लगता है ठीक है द लगता है जैसे द ट्रिब्यून हो गया अट्रिब्यून कभी नहीं आता जैसे द दिव्य हिमाचल हो गया द अमर उजाला हो गया ऐसी चीज़ें आती है एक जो है वो हम लेके नहीं चलते अगला देखते हैं बनानाज आर अवेलेबल एट सिक्सटी रुपीज़ ब्लैंक डजन यहाँ पे ए आएगा अगर यहाँ पे जो है पर होता पर डजन पी ई आर पर डजन तो पर जो है वो आपका सही होना था प्रति दर्जन तो यहाँ पे आपको पता है द डजन हो नहीं सकता एन डजन हो नहीं सकता न, नीचे नन ऑफ दीज है तो आप जो है ऑटोमेटिकली ए लगाएंगे ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे पर आपको जो है वो अपना दिमाग लगाना है कई बार क्या होता है कि हम जो है दा कर देंगे या एन कर देंगे हड़बड़ी में नहीं अगर यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिए कि अगर पर होगा ऑप्शन में कहीं नोटा की जगह पर होता तो पर जो है वो आपका सही आंसर होना था पर जो है वो आपका आपको लगाना था ए की जगह आगे देखते हैं अगला है एंटोनेम ऑफ हॉस्टाइल देखिए एंटोनेम साइनोनेम बहुत आ रहे हैं हॉस्टाइल का मतलब आपका होता है विरोधी द्वेषी या शत्रुता पूर्ण लिख लीजिए जब तक तो आपको हिंदी में मतलब समझ नहीं आएगा हिंदी में मतलब पता नहीं होगा तब तक आप जो है वो नहीं कर सकते हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है आपका विरोधी द्वेषी या शत्रुता पूर्ण तो क्या होता है हॉस्टल एलिमिनेट कर दीजिए सीधे सीधे हॉस्पिटल भगा दीजिए इसको भी फ्रेंडली या फ्रेंक देखिए हॉस्टाइल का मतलब आपका क्या आएगा विरोधी बताया मैंने तो विरोधी का उल्टा क्या होता है मित्र जो हमारा दोस्त होता है तो फ्रेंडली जो हो उसका सही आंसर आ जाएगा आपको एलिमिनेट करने आना चाहिए दो आपने एलिमिनेट कर दिए फ्रैंक जो है और फ्रेंडली में आप जो है तो कैजली लगा सकते हैं यहाँ पे आपके नंबर स्कोर करने के चांसेस वो ज्यादा बढ़ जाते हैं पहले जो आपके ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट करना सीखिए अगर इसके साइनोनेम्स की बात करें हॉस्टाइल की तो इसका होगा एग्रेसिव ए डबल जी आर ई डबल एस आई वी ई ए डबल जी आर ई डबल एस आई वी ई एग्रेसिव होगा या फिर आपका आएगा एंटागोनिस्टिक ए एन टी ए जी ओ एन आई एस टी आई सी इस स्पेलिंग को लिख लीजिए कई बार आपसे ये भी दिया होता है इसके साइनोनेम है सिमिलर मीनिंग वाले आपको पता है कि एंटोनेम जो है वो जैसे हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द होते हैं और साइनोनेम होते हैं समानार्थक या जो वो मतलब एक जैसा अर्थ जो है वो प्रदान करते हैं ये इसका जो है साइनोनेम है एंटागोनिस्टिक और जो है अग्रेसिव अगला देखते हैं चूज द करेक्ट साइनोनेम फॉर अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स आपको जो साइनोनेम चूज करने हैं गाइस पहले एंटोनेम का पहाड़ा अब साइनोनेम पे आ जाते हैं तो देखते हैं प्रोहिबिट प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना आप किसी चीज़ को जो किसी चीज़ से रोक रहे हैं जैसे आपका होता है कि स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड मतलब यहाँ पे थूकना मना है ठीक है आपको जो हो चीज़ें रिलेट करनी होती हैं आपको पता होता है अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप मतलब अपना दिमाग दौड़ाएंगे कि यार मैंने कहीं बस स्टैंड पर पढ़ रखा है मैंने कहीं पार्क में पढ़ रखा पढ़ रखा है कि प्लकिंग फ्लावर्स इज आर प्रोहिबिटेड या इज़ प्रोहिबिटेड मतलब प्रोहिबिट का मतलब आपको सीधा आ गया कि रोकना या मना करना तो गाइस इसका जो है साइनो आ जाएगा बैन मतलब बैन का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ से आपको रोक देना और इसका जो है और साइनोनेम क्या होगा एक और साइनोनेम इसका होगा फॉरबिड फॉरबिड भी इसका साइनोनेम होगा एफ ओ आर बी आई डी लिख लीजिए फॉरबिड भी इसका साइनोनेम होगा अगर इसके एंटोनेम्स की बात करें तो एंटोनेम इसके होंगे परमिट परमिट का मतलब होता है कि आज्ञा देना प्रोहिबिट का आपका जो है साइनोनेम एंटोनेम क्या आ जाएगा एंटोनेम है परमिट या फिर ऑथोराइज ए यू टी एच ओ आर आई जेड ई

डब्ल्यू ये जो है इसके साइनोनेम है अब अगर रिग्रेट के एंटोनेम्स की बात करें अगर हम एंटोनेम की बात करें तो एंटोनेम क्या आएंगे इसके वेलकम आएगा ठीक है रिग्रेट का वेलकम आएगा या फिर आपका एक और एंटोनेम आएगा सराहना ए डब्ल्यू पी एल एपलॉड सराहना या कई बार जो है हम बोलते हैं कि गिव हिम अज राउंड ऑफ अपलॉजिज या फ्लोर्स तो मतलब अपलॉड का मतलब होता है कि ताली बजा के प्रशंसा करना या इसका एक और एंटोनेम है हैप्पीनेस हैप्पीनेस आप लोग लिख लेंगे खुद ही रिग्रेट के एंटोनेम क्या है वेलकम अपलॉड एंड हैप्पीनेस और इसका जो है साइनोनेम है फील सॉरी रिमर्स या सॉरो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी वन विम्सिकल बहुत इंपॉर्टेंट गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बार बार जो है वो पूछी गई है पूछी जाती है इसका मतलब होता है सन की या मनमौजी मतलब सन की टाइप या मनमौजी अपनी मन की करने वाला खुद की धुन में रहने वाला तो इसका आ जाएगा आपका अम्यूजिंग अम्यूजिंग भी होता है मनोरंजक ठीक है मनमोजी का मतलब होता होता है आपका कि मतलब बिना किसी चीज़ के आप जो है वो बिल्कुल आनंद लेते हैं इन्जॉय लेते हैं तो अम्यूजिंग का मतलब भी मनोरंजक हो गया आपका और इसके और साइनो की बात करें तो आपका एक हो जाएगा वोलाटाइल वोलाटाइल भी है इसका साइनोनेम होता है फैंसी फुल भी होता है एफ ए एन सी आई एफ यू एल फैंसी फुल भी इसका साइनोनेम होता है एक और होता है मिसचीवियस एम आई एस सी एच आई ई वी ओ यू एस मिसचिवियस भी होता है इसका और क्या रहता है इसका इसके अगर एंटोनेम्स की बात करें तो एंटोनेम्स का आ जाएगा एक सैड आ जाएगा एक आपका बोरिंग आ जाएगा और एक आपका इसका जो एंटोनेम है वो आ जाएगा अनफनी अनफनी जो है वो भी इसका एंटोनेम आपका आ जाएगा अगला देखते हैं इंटरमीटेंट इंटरमीटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर या बीच बीच में होने वाला जैसे मान लीजिए अभी हुआ फिर कुछ समय बाद होगा फिर कुछ समय बाद होगा मतलब रुक रुक कर या बीच बीच में होने वाला तो इसका मोस्ट सूटेबल है आपका पीरियोडिक ठीक है पीरियोडिक है अगर पीरियोडिक की जगह आपका जो है स्पोरेडिक spor, spor, होगा एस पी ओ आर ए डी आई सी स्पोरेडिक होगा तो वो भी आपका सही होगा या इरेगुलर इेगुलर भी लिख लीजिए इरेगुलर भी होगा इसके हम अगर एंटोनेम्स की बात करें तो ये होता है आपका स्टडी एस टी ए डी वाई स्टडी मतलब लगातार होने वाला या फिर कंटिन्यूस कंटीन्यूअस जो है वो आप स्पेलिंग लिख सकते हैं एन यू ओ यू एस ये जो है इसके एंटोनेम आगे अगला देखते हैं Obstinate, obstinate का मतलब होता है ज़िद्दी या हठी तो इसका आ जाएगा स्टवर्न स्टवर्न भी आपका जिद्दी या हठी होता है इसके अलावा obstinate के आपके जो है अगर हम बात करें कि आपका और क्या इसके साइनोनेम हो सकते हैं तो इसका साइनोनेम हो सकता है आपका एक डब्ल्यू आई एल एफ यू एल इसका जो है एक विलफुल हो सकता है या हेड स्ट्रॉन्ग हो सकता है एच ई ए डी एस टी आर ओ एन जी गाइज मैं टाइम वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एंटोनिम एनोनेम है यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ये होगा आपका कंप्लेंट सी ओ एम पी एल आई ए एन टी आज्ञाकारी इसका मतलब होता है या अमेनेबल ए एम ई एन ए बी एल ई अमेनेबल होता है या ट्रंक टेबल टेबल टी आर ए एन सी टी ए बी एल ईगाइज ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे नोट्स बनाएंगे चार पाँच दिन लगातार पढ़ेंगे तो ये जो है ये आपको याद हो जाएंगे नेक्स्ट आता है आपका कार्डिनल कार्डिनल का मतलब होता है प्रमुख या प्रधान आप जिसको बोलते हैं मतलब मेन तो इसका आ जाएगा आपका चीफ चीफ जो है इसका मतलब मेन होता है प्रधान होता है प्रमुख होता है इसके अगर हम और आपके जो है साइनोनेम्स की बात करें तो एक आएगा, आएगा आपका बेसिक एक आएगा, आएगा आपका मेन लिख लीजिए बेसिक मेन प्राइम भी आ जाएगा इसका प्राइम या फिर फंडामेंटल भी इसका हो जाएगा अगर एंटोनेम्स की बात करें तो इसका आएगा अनइम्पॉर्टेंट एक ही इसका एंटोनेम होता है अनइम्पॉर्टेंट लिख लीजिए कार्डिनल आपको पता है कि अगर मैंने बता दिया मेन है चीज है तो उसका आ जाएगा अनइम्पॉर्टेंट जो इसको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव आपकी स्क्रीन के ऊपर इसमें आपको क्या करना है आपको जो है वो प्रपोजिशन डालनी है ही ब्लैंक चेंज हिज रूट हैज़ वॉज एलिमिनेट कर दीजिए चुपचाप से मे बचा नन ऑफ दिस हो नहीं सकता बहुत इजी है आपको जो है सीधे लगाना ही मे चेंज हिज रूट मतलब ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि वह अपना रूट चेंज कर सकता है मे का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी दिखाना आप मे का एक मीनिंग ये भी आता है कि आप किसी चीज़ के लिए प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं अगला देखते हैं कैन दिस हैपन ब्लैक कैन दिस हैपन क्वेश्चन मार्क नो इट सो इसका सीधा सा जाएगा इट कैन नॉट पीछे कैन लगा है तो कैन मे विल आ नहीं सकता क्योंकि पीछे कैन लगा दिया नो इट मे नहीं हो सकता विल नहीं हो सकता इट कैन नॉट या इट कांट जो है वो लगा दिया आपने यहाँ से भी लगाना है कि जो पीछे कैन लग गया तो अगर यहाँ पे होता कि डू दिस हैपन नो इट डोंट मैं आपको मतलब टेंस की सेंस को मारो बोले आप यहाँ देखिए अगर यहाँ पे डू होता तो यहाँ पे डू नॉट आना था डोंट आना था यहाँ से एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे कैन है तो यहाँ पे कांट आएगा आपका या कैन नॉट आएगा आगे देखते हैं एटी सेवन आई विश यू ब्लैंक स्टडी साइंस तो इसका आ जाएगा वुड ये विश कर रहा है डिजायर कर रहा है कि मेरी इच्छा है मैं चाहता हूं कि तुम जो है वो साइंस पढ़ो ठीक है तो यू वुड स्टडी साइंस आगे देखते हैं ही ब्लैंक मीट मी दिस मॉर्निंग तो इसका आ जाएगा ही मस्ट मीट मी दिस मॉर्निंग वह उसे मुझे अवश्य ही मतलब उसे मुझे सुबह अवश्य ही मिलना चाहिए ही मस्ट मीट मी दिस मॉर्निंग आगे देखते हैं इसमें जो है वो आपको करेक्ट स्पेलिंग्स ढूंढनी है गाइज आपको ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं हैरान मत हुई है कि आपको स्पेलिंग्स जो है वो भी ढूंढने को आएंगे तो डिसीव की स्पेलिंग रहती है डी ई सी ई आई वी ई डिसीव का मतलब होता है धोखा देना या छलना या ठगना डिसीव का मतलब होता है तो स्पेलिंग को रट लीजिए ऐसे स्पेलिंग्स आपसे पूछी जाती हैं यह आपकी अगली स्पेलिंग है विलफुल जैसे मैंने आपको बताया किसका मैंने आपको ये बताया था ये मैंने आपको ऑब्स्टिनेट का साइनोनेम बताया था स्टबर्न जिद्दी या हठी विलफुल का मतलब होता है ज़िद्दी या हठी एक और आपका जो है वो आता है अकोमोडेशन की स्पेलिंग आती है ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन अकोमोडेशन की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने की एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अकोमोडेशन की स्पेलिंग में आपके तेरह जो आपके ये अल्फाबेट हैं तेरह जो आपके लेटर्स हैं वो होते हैं इस चीज़ को ध्यान रखिए और जिस मतलब जहाँ पे तेरह अल्फाबेट की पूरी स्पेलिंग रहेगी वहाँ पर आपने जो है वो अकोमोडेशन चूज कर लेना है बाकी बहुत सी स्पेलिंग है जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना जो है वो आप प्रोफिशेंट बनते जाएंगे तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए